हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तनाज सोसाइटल में आप सबका दिल से स्वागत है। और आप कैसे हो, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल फिरनी। मैंगो फिरनी तो आपने बहुत सुनी होगी और बनाई भी होगी, बट मैं आज बनाने वाली हूँ पाइनएप्पल फिरनी। तो पाइनएप्पल यूजुअली खट्टे होते हैं, तो उसे मैं आज मैं मीठा करने वाली हूँ एक प्रोसेस से। तो मैंने फ्राइंग पैन ले लिया है, उसमें चॉप्ड पाइनएप्पल डाल दिए हैं। मैंने एक पाइनएप्पल लिया है फुल और उसे चॉप किया है और मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी शुगर, 4-5 टेबल स्पून शुगर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है जब तक ये ड्राई ना हो जाए। और ये स्वीट अच्छा खासा हो जाता है। और अगर मीठा पाइनएप्पल है तो आपको इतनी शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्ट भी कर सकते हो शुगर डालने के बाद। तो अब ये मैं पाइनएप्पल को 2 पोर्शन में कर दूंगी और 1 पोर्शन में ग्राइंड करूंगी और 1 पोर्शन में डेकोरेट करने रखूंगी। तो 1 पोर्शन जो ग्राइंड करूंगी उसे और डेकोरेट करने वाले पोर्शन को मैं साइड में रख दूंगी। अब मैंने ले लिया है 50 ग्राम ऑफ बासमती राइस, उसे मैंने सोक किया था 1/2 आवर और मैं उसे ड्राई कर लूंगी। और मैंने ले लिया है 9-10 आलमंड, जिसके मैंने छिलके निकाल दिए हैं, एंड ड्राइड राइस और खोया। इन सब को हमें ग्राइंड करना है। खोया की रेसिपी मेरे चैनल पे है, अगर जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाके देखना। और आलमंड भी छिलने का तरीका एकदम आसान है, 10 मिनट तक उसे हॉट वाटर में सोक कीजिए और ये आसानी से छिलका निकल जाएगा। तो अब मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने वाटर डाला है थोड़ा, और मैं अब डाल दूंगी मिल्क। मिल्क मैंने 1.5 लीटर यानी कि 1.5 लीटर मिल्क लिया था। तो मिल्क जब भी आप बॉईल करो स्वीट डिश बनाने के लिए, तो नीचे आपको थोड़ा सा 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डालना ज़रूरी है ताकि वो नीचे लगे ना। तो वो मिल्क बॉईल हो रहा है तब तक मैंने 2 टेबलस्पून ऑफ घी ले लिया है और ये राइस, बासमती राइस जो ड्राई कर दिया था मैंने, उसे मैं भून लूँगी जब तक कि ये ब्राउन कलर, लाइट ब्राउन कलर ना हो जाए। बस इसे भून लेना है और फिर इसे ठंडा करके हम ग्राइंड करेंगे। इसकी एक अलग ही, जब खीर बनता है इसमें अलग ही एक खुशबू आती है ये फ्राई करने से। तो बस ये फ्राई हो गया था, अब मैं इसे ठंडा करूँगी और फिर मैं आलमंड और खोया डाल के, राइस डाल के ग्राइंड कर लूँगी, थिक पेस्ट बना लूँगी। इसमें आप थोड़ा सा वाटर डाल सकते हो, 1/2 ग्लास से भी कम, और ग्राइंड कर सकते हो। तो ये थिक पेस्ट बन के रेडी था। अब ये मिल्क भी अच्छे से बॉईल हो गया था और मलाई भी जम गई थी अच्छे से, बट ये मलाई को निकालना नहीं है, ये मलाई को रहने देना है ताकि अपनी खीर एकदम क्रीमी बने। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर, ये ऑप्शनल है, सैफ्रॉन भी डाल सकते हो आप, इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, या दोनों भी स्किप कर सकते हो, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग करना है। फिर इसे थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने पेस्ट बनाया है आलमंड, खोया और राइस का, वो मैं इसमें डाल दूंगी। और ये मिक्सचर डालना है और फौरन इसको मिक्स करना है, वरना इसमें जो है लम्ब्स बन जाएंगे। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे शुगर। शुगर भी मैंने 100 ग्राम लिया है, और शुगर भी आपके टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, आपको कम चाहिए ज़्यादा चाहिए। 100 ग्राम जब आप डालोगे दैट इज़ द परफेक्ट, अगर मीठा चाहिए तो और आप डाल सकते हो। अब ये शुगर डाल के भी मैं अच्छे से इसे मिक्स करूँगी जब तक कि शुगर डिज़ोल्व ना हो जाए और ये थिक ना हो जाए थोड़ा। तो इसे मैं और 10-15 मिनट्स तक पकाऊंगी, अच्छा इसे बॉईल लूंगी। अब मैं डाल रही हूँ मिल्कमेड। मिल्कमेड कम्प्लीटली ऑप्शनल है बिकॉज इसमें खोया हमने डाला है, बट अगर आप डालना चाहो तो डाल दो। तो ये मैंने छोटा सा टिन मिल्कमेड का डाल दिया था, ये ऑप्शनल है। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए 1-2 आवर्स तक बाहर रूम टेम्परेचर पे ही रखूंगी, और फिर जब सर्विंग डिश में निकालूंगी तो ये पाइनएप्पल का जो हमने पेस्ट ग्राइंड किया है वो उसमें मिक्स कर दूंगी। और मैंने थोड़ी सर्विंग डिश में विदाउट पाइनएप्पल डाल के भी रखा था, ये ऐसी भी खीर खा सकते हो या पाइनएप्पल डाल के भी खा सकते हो। तो ये अच्छे से मैं मिक्स करूंगी और फिर इसे मैं डेकोरेट करूंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।